हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो प्रीरिएक्शन होने वाला है पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ड्रीम इलेवन T20 मैच की जो श्रृंखला खेली जाएगी उस मैच का मैं प्रीरिएक्शन लेकर आया हूँ। अर्थात IPL 2024 की जो लीग खेली जाएगी उस मैच के मैं बारे में चर्चा करने वाला हूँ और चर्चा करूँगा आज भाई की प्लेयर वाइज एनालिसिस होने वाला है कि किस प्लेयर को आप GL में लेकर के चल सकते हो, किस प्लेयर को ACL में लेकर के चल सकते हो और यहाँ से फुल स्टेटस फुल एनालिसिस होने वाला है और मैच प्रीव्यू यहाँ से जो है ट्रंप प्लेयर के बारे में भी बात होने जा रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है। वहाँ 6 प्लेयर का स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता है, क्या 6 प्लेयर हम लोग के लिए यूजफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है, आज का कैप्टन वाइज वाइस कैप्टन क्या होना चाहिए। देख लो भाई, यहाँ से कुल मिलाकर के 22 प्लेयर का ही आपको लाइन आउट के बाद आपको पता चल पाता और इसमें से 11 प्लेयर वो कौन सा होगा जो आज आपको 1 से लेकर के जो है 11 रैंक तक ला करके आने वाला हो, अर्थात 11 रैंक तक आ जाए ताकि आप आसानी पूर्वक से आज क्या कर लो 11 रैंक तक आपको ड्रीम इलेवन के द्वारा जो रखा गया है प्राइज पूल 1 करोड़ रुपया रखा गया, तो आप 1 करोड़ रुपया आसानी से विनिंग कर पाओ। तो मैं यहां से आज टारगेट रहेगा कि मैं 5 टीम प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आ जाना जिसका लिंक आपको सिंपली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी 5 टीम से आप क्या कर सकते हो, टारगेट फुल टारगेट कर सकते हो 1 से लेकर के 11 रैंक तक आना यहाँ से। उसके बाद मैं बात करूँगा भाई यहाँ से जो है आज कितना टीम क्रिएट करनी चाहिए, 5 टीम क्रिएट करना चाहिए, 10 टीम क्रिएट करना चाहिए, कितना टीम क्रिएट करने पर आज 1 करोड़ रुपया आप विनिंग कर पाओगे। सो गाइज, आप चैनल पर परिवार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी से प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। वहीं टेलीग्राम पर आना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के एनालिसिस के साथ, उससे पहले जबरदस्त लाइक कर देना। यहाँ से गुरु और स्टेटस को सबसे पहले जान लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं स्टेटस को जानूंगा, गुरु को बाद में जानूंगा, उसके बाद यहाँ से देख लो स्क्रॉल करके आपको सिंपली से आ जाना है वेन्यू स्टेटस पे। वेन्यू स्टेटस में क्या देख लेनी है, सबसे पहले आपको देखना है वेन्यू स्टेटस में कि स्टेडियम नेम क्या रहने वाला है, किस स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद पिच रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि बैटिंग पिच दिया गया है, भाई बैटिंग पिच दिया गया है तो आज एवरेज स्कोर क्या रह सकता है। यहाँ ड्रीम इलेवन के द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया है 152 रन यही रहने वाला है क्या, नहीं भाई आज का एवरेज स्कोर 180 के आसपास में जाने वाला है, यही करेक्ट रहने वाला है मेरे ओपिनियन। मेरी अक्सर के अनुसार पिच रिपोर्ट में देख सकते हो आज का पिच जो है किसके लिए यूजफुल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा या तो काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, यहाँ से आप कह सकते हो कि यह 60% आपको मदद करने वाला है पेसर्स को, वहीं बात करें तो 40% आपको स्पिनर्स बॉलर को मदद करने वाला है आज का पिच। तो मैं बात करूँगा ये भी कि आप लोगों के लिए आज कौन लकी होने वाला है, आपका स्पिनर्स बॉलर और लकी होने वाला है पेसर्स बॉलर जो आप लोगों के लिए एक सही फ्री इलेवन के अंतर्गत रह सके। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो, ड्रीम इलेवन ने दिया है अपडेट 13 मैच में देखा गया है कि आपका जो 4 विकेट स्पिनर्स बॉलर ले चुका है जबकि 9 विकेट आपका जो है पेसर्स बॉलर ले चुका है। तो यहाँ से आप देख लेना, ट्रंप प्लेयर भी आप बात करता हूँ तो यहाँ से भीम मोड़ पर जाने के बाद ट्रंप प्लेयर आ जाता है। अब देखो 6 प्लेयर यहाँ से बताया गया है लेकिन इसमें से मात्र आप लोगों के लिए 4 ऐसा प्लेयर होगा जो यूनिक होने वाला है, वो कौन सा हो सकता है यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो है रेड हो गया, उसके बाद पोड़ेल हो गया, उसके बाद ये देख सकते हो दूर हो गया, उसके बाद यहाँ से सारे प्लेयर का स्टेटस आप देख सकते हो कि 6 प्लेयर दिया गया लेकिन आप लोगों के लिए 4 है। मैं आगे आपको ड्रीम इलेवन के होम स्क्रीन पर बताऊँगा वो 4 प्लेयर वो कौन सा है जो आपके सटीक प्ले इलेवन के अंतर्गत आपके रहने वाला है ताकि आपका जो है आज प्ले इलेवन भी सही से क्रिएट करना है, 1 से लेकर के जो है 1-11 तक रैंक भी लाना है। तो किस प्रकार से आने वाला है आज ऐसा 5 टीम दूंगा, फंसने वाला है ये कंफर्म है। उसके बाद आपको मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद टीम कंपैरिजन देख लेना है। यहाँ से 10 टीमों का कंपैरिजन यहाँ से दिया गया है तो यहाँ से देखा गया कि भाई 10 बार मुकाबला खेला गया है पंजाब और दिल्ली के बीच, तो यहाँ से पंजाब ने जो है 3 बार मैच को विनिंग किया जबकि दिल्ली ने 6 बार मैच विनिंग किया, 1 टाई रह गया था। तो यहाँ से किस प्रकार से था तो 5 मैचों का अपडेट देगा आपको यहाँ से, अब देख सकते हो व्यू रिसेंट रिकॉर्ड पर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेना भाई कि यहाँ से क्या चीज़ देखना है, आपको ये देखना है कि एवरेज स्कोर कितना जाता है, विकेट कितना खोता है, कितने ओवर में जो है मैच फिनिश करता है और स्टेडियम कौन सा है। तो कितने पॉइंट आपको ध्यान देनी है, 4 पॉइंट देनी है, 1, 2, 3 और ये चौथा पॉइंट आपको ध्यान देनी है। कुल मिलाकर के आप देख सकते हो 5 मैचों का अपडेट दिया है तो 5 का 2 गुना कर दो यानी 10 बार आपको ये स्टेटस देख लेना है। अर्थात 10 में से आप यहाँ से क्या करोगे, लगभग जो है 10 हो गया, 10 में से यहाँ से स्टेडियम तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से देख लेना कि क्या देखना है आपको, स्कोर बोर्ड देखना है और विकेट कितना गिरा वो, और क्या देखना है ओवर देखना है। तो यहाँ से
दोनों टीमों का यहाँ से देख लेना है। जैसा कि इसका जो है रन कितना गया था 198, इसका कितना गया 213, इसने कितने ओवर खेले तो 20 ओवर खेले, इसने कितने ओवर खेले तो ये भी 20 ओवर खेले। अब देख लो पंजाब ने कितने विकेट खोया तो 8 विकेट खोया, जबकि दिल्ली ने 2 विकेट खोया। तो ये इस प्रकार से टीम कंपेरिजन करना और फाइनली आप पता करके बताना भाई कि आपके अनुसार जो है कौन सा स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सा आपके लिए जो है वीक टीम रहने वाला है। तो मेरे ओपिनियन के अनुसार, मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार आज का मुकाबला हो सकता है तो आपका 60% जो है आपका जो है किंग्स इलेवन पंजाब स्ट्रॉन्ग स्थिति में, जबकि दिल्ली जो है रिसेंट में जो टीम देखा गया उसके अनुसार 40% आपको स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। तो आज का मुकाबला कौन जीत सकता है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, लेकिन इतना पॉइंट आपको जरूर से जरूर आप जान लेना भाई, तब जाकर के आप टीम क्रिएट करना, वैसे अंधेरे में आप तीर मत चलाना। उसके बाद यहाँ से देख लो कि दिल्ली कैपिटल्स हो गया, दिल्ली कैपिटल्स जो है अभी रिसेंट में 5 मैच खेल करके आ रहा है, जिसमें से 2 मैच में इन्होंने सफलता पाई, जबकि पंजाब की बात करता तो 1 मैच में इनको सफलताएँ हाथ लगी थी। तो किन किन टीमों के खिलाफ मैं मुकाबला खेला है वो देख लेना, फिर दिल्ली का भी देख लेना, ताकि आपके लिए सटीक प्ले 11 टीम क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सामना न करना पड़े। उसके बाद पॉइंट टेबल यहाँ से जान लेना भाई, पॉइंट टेबल 6 प्लेयर का यहाँ से दिया गया है, और सारे प्लेयर का देखना चाहते हो तो भी कंप्लीट स्क्वाड पर क्लिक करोगे सारे प्लेयर का यहाँ से स्टेटस आ जाएगा। ज़्यादा आपको लंथ फंद नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सिंपली से जानना है, आपको रन से जानना और विकेट से जानने लिए टॉप ऑर्डर का जो प्लेयर रहने वाला है उसी 14 प्लेयर का आप सिलेक्शन कर लेना, उसी 14 प्लेयर से आप 5 टीम क्रिएट करके जो है आज ग्रैंड लीग में 1 करोड़ रुपया आराम से विनिंग कर सकते हो। फाइनली उसका ग्रुप टीम पर आ जाना है, ग्रुप टीम में देखना है आपको क्या देखना है भाई, कॉमन प्लेयर देखना है, कॉमन प्लेयर कहां से देखना है आपको जो विकेट कीपर और बैटिंग सेक्शन का कॉमन प्लेयर देख करके 2 कॉमन प्लेयर को अपने टीम में जरूर से जरूर जगह दे देना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कॉमन करोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ड्रीम इलेवन के होम स्क्रीन पर आते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप कहोगे कि भाई आज कितने विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए, कितना बैटिंग सेशन, कितना ऑलराउंडर और कितना बॉलिंग सेशन होना चाहिए, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 2 विकेट कीपर आपके लिए आज के लिए फाइनली माना गया है, बेहतरीन चॉइस माना गया है आज के लिए, काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आज 2 सेलेक्ट करते हो विकेट कीपर के रूप में 2 प्लेयर को, तो कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ से ऋषि पंत हो गया एक मेरा, और दूसरा जो रहने वाला पिशिंग है, दोनों को आप जीएल हो या एसएल दोनों में आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर चॉइस माना गया यहाँ से पिशिंग को, आप जो है एसएल में भी ट्राई कर सकते हो, बट ग्रैंड लीग के लिए सारे प्लेयर के लिए जो है मेरा कॉमन प्लेयर जो रहने वाला है ऋषि पंत रहने वाला है। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, दोनों को अपनी टीम में जगह दे दूँगा। उसका बैटिंग सेक्शन की बात करता हूँ तो भाई डेविड वार्नर टॉप ऑर्डर का जो बैटिंग रहने बैट्समैन रहने वाला, वही बैट्समैन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। पृथ्वी शो को फिलहाल मैं ड्रॉ करके जाने वाला हूँ। आज के लिए अधिकतम मैं बैटिंग सेक्शन 4 कर सकता हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता, बॉलिंग सेक्शन भी 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ये बेहतरीन चॉइस माना गया है। हो सकता था मैं 2 से यहाँ आप लोगों के लिए एक कंफर्म कर देना चाहता हूँ, 3 से अधिक नहीं करूँगा और 2 से कम नहीं करने वाला हूँ मैं अपना बॉलिंग सेक्शन। और बात करता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन, यहाँ बॉलिंग सेक्शन की बात करता हूँ तो बॉलिंग सेक्शन मेरा 3 ही रहने वाला, न 3 से ज़्यादा और न 3 से कम रहने वाला है। तो यहाँ उसके बाद मैं आता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन पर, मार्स हो गया, यहाँ से एस्करन के साथ आप जा सकते हो, दूसरा लिविस्टन के भी साथ जा सकते हो, लिविस्टन भी काफ़ी बेहतर चॉइस माना गया है। और तीसरे में बात करता हूँ तो यहाँ से कुलदीप यादव हो गया, अर्शदीप सिंह को लेते हो तो यहाँ से आप रवाडा को ड्रॉ कर देना। उसके बाद आप डीसी की तरफ से जो है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नोटिजा को आप रख सकते हो। यहाँ से मैंने 3-3 का रेशियो रखा, यदि आप चौथा रेशियो करना चाहते हो, यदि आप ऑलराउंडर्स यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ से एस करन को आप क्या करके ड्रॉ करके चल सकते हो, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बैटिंग सेक्शन 4 कर सकते हो किसे, और ऋषभ या यहाँ से जो है आप टैग को आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो। इस प्रकार से एक प्ले 11 टीम क्रिएट करके जो बेहतरीन चॉइस आज विकेट कीपर सेक्शन से और बैटिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में माना गया है। तो मेरा जो कैप्टन रहने वाला है डेविड वार्नर रहने वाला है, बीसी के रूप में मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्टॉक को मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा, एक टीम में यहाँ से जो है कम्बिनेशन करके यहाँ से रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में इसे ही यूज करूँगा। यदि टॉप ऑर्डर पर यदि शिखर धवन पहले बैटिंग करने आता है तो शिखर धवन को मैं कैप्टन के रूप में यूज कर सकता हूँ, तब मैं यहाँ से ऋषि पंत को क्या करूँगा, बीसी के रूप में यूज करूँगा। इस प्रकार से मैं टीम सेव कर लूँगा, टीम सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, रेशियो देखूंगा भाई, रेशियो जो है ये रेशियो काफ़ी बेहतरीन माना गया है। यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो 5:6 के रेशियो भी आप क्रिएट कर सकते हो, दोनों रेशियो काफ़ी सेफ माना गया है। मेरा जो ऊपर का 2 टीम है आप देख सकते हो, मैंने 2 विकेट कीपर, मेरा बैटिंग सेक्शन 4 और ऑलराउंडर सेक्शन 2 और बॉलिंग सेक्शन 2 रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरी टीम की बात करता हूँ तो इसमें भी मैंने 2 विकेट कीपर, 3 बैटिंग सेक्शन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलिंग सेक्शन किया हूँ, और तीसरी टीम मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट कर चुका हूँ। इसमें भी 2 विकेट कीपर, 4 बैटिंग सेक्शन, 2 ऑलराउंडर और 3 मेरा जो है बॉलिंग सेशन रहने वाला है। तो इसी प्रकार से मैं 5 टीम प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पर आप आना चाहते हो तो इसका लिंक सिंपली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आ जाना। ये कन्फर्म रहने वाला है कि आज ये 5 टीम आज
वन से लेकर 11 रैंक तक आने वाला है और 1 करोड़ आज कहीं ना कहीं आप फंसाने वाले हो। किस प्रकार से फंसेगा मैं टेलीग्राम पर पूरा अपडेट आपको देने वाला हूँ, तो आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको सिंपली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह प्रिडिक्शन आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताना। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपसे प्रेस कर देना। तो सो गाइस मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ।